हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहा हूं। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024। सूचकांक से संबंधित प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह सूचकांक जो है वो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में जो रैंकिंग दी जाती है उसमें 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। अब इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश का रहा, तो शीर्ष स्थान जो है वो सिंगापुर का रहा, या इस तरह भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में किसे बताया गया है। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2024 की रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर है। इसमें 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंचे, अर्थात सिंगापुर के पासपोर्ट जिसके पास है वो 195 देशों में बिना वीजे के भी यात्रा कर सकता है। भारत का स्थान कौन सा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में, भारत का स्थान कौन सा है, तो वहां हमारा उत्तर रहेगा 82वां। 58 देशों में वीजा मुक्त पहुंच, अर्थात भारतीय पासपोर्ट धारक जो हैं वो 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अब भारत का स्थान जो 82वां है, तो 82वां स्थान जो है वो दो और देशों को भी दिया गया है। उन देशों का नाम क्या है, सेनेगल व ताजिकिस्तान। अर्थात अब 82वें स्थान पर कितने देश हो गए, 82वें स्थान पर तीन देश हो गए, भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान। इन तीनों देशों की जो है वो 58 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था, तो वर्ष 2023 के सूचकांक में भारत का स्थान जो था वो 80 था। अब हेनले पासपोर्ट सूचकांक में अंतिम स्थान किस देश का रहा, तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में अंतिम स्थान जो है वो अफगानिस्तान का रहा। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।